निकल गया, बच्चे मजाक कर रहे थे अलग से, धुआं निकल गया है जानवर। और ये देखो, इधर देखो कितनी बढ़िया गाड़ी बना रखी है ना, ये देसी गाड़ी है भाई। अच्छा अच्छा, अरे अरे मैं चलाऊंगा यार। दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक पड़ोस के गांव में जा रहा हूं। इस गांव से वो गांव 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस गांव का नाम है मसाना जटान। उसके बहुत सारे स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। एक तो मैं उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा मेरा घूमना भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई काम तो है नहीं और पड़े पड़े टाइम ही नहीं कटता है, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। इसके बाद मैं मेरे पड़ोस के गांव के जो स्टूडेंट हैं उनका गांव भी देख लूँगा, पेरेंट्स से मिलूँगा, और इससे मुझे हेल्प ये होगी कि मैं अपने स्टूडेंट को जान पाऊँगा और उनके लिए बेहतरीन शिक्षा की एक व्यवस्था कर सकूँगा। तो चलेंगे हम बाइक से, और ये मेरी बाइक खड़ी है और अभी बाइक से निकलते हैं और उस गांव में पहुंचते हैं। फिलहाल तो जो मकसद मैंने बताया वही है, लेकिन आगे चलकर क्या कुछ होता है वो आगे चलकर वीडियो के अंदर पता चलेगा। अभी हम मसाना जटान पहुंचे नहीं हैं, उस गांव से थोड़ी सी दूरी पे हैं। तो कई बार स्कूल में है ना, बच्चे बताते हैं जी हमने ना पुल के ऊपर मज़े गए, वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ मज़े लेते हैं। तो भाई ये पुल है, ये एक ड्रेन सी है इधर और इधर भी है, तो यहाँ बच्चे आकर क्या मज़ा लेते होंगे, देखिए एक नज़ारा देखिए। तो इधर तो दूर तक ये इधर ड्रेन, अब क्या मज़े लेते होंगे बच्चे भाई, यहाँ पर खड़े हो जाते होंगे, यहाँ पर इस रेलिंग को पकड़कर कुछ देर अंदर निहारते होंगे, देखते होंगे, फिर कोई जीव जंतु इसमें चलता हुआ दिखाई देता होगा ना, अरे वो गया इस तरह बोलते होंगे शायद, है ना। हाँ ऐसे। और भाई दो ये आगे देखो, दो स्टूडेंट ही आए पीछे, कहाँ गए थे करा ले। अच्छा यार ये बताओ कृष्ण, यहाँ कुछ बच्चे कहते हैं बड़े मजे लेते हैं यहाँ खड़े होके, कैसे मजे लेते हो यार मजे? इसमें कैसे ना हो गया पूरी भर की छलांग मारेंगे जी। तुमने इसके अंदर कूद जाते हो? मैंने देखे जी सच्ची जी। यहाँ पे अच्छा, फिर कैसे चलते हैं, गिर नहीं चाहिए यार, ये तो बड़ा खतरनाक गेम है बेटा। नहीं थोड़ा नीचे 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 उतरो, ये बड़ा खतरनाक गेम है यार, इस तरह मत किया करो भाई। यहाँ पे नहीं करते जी। हाँ। और बच्चे हाँ, उनको छोटे बच्चे ना वो करने लग जाते हैं, तो उनको भाई हटा दिया करो, ठीक है जी, वो पेड़ है ना जी। अच्छा हाँ। उस पर नहीं चलते रहा जी। अच्छा वो पेड़ है, उस पे मजे लेते ना स्कूल से आ गए, यहाँ बसते रख देते होंगे उधर, नहीं खड़े रहा जी। और स्कूल वाले बच्चे हाँ जी, तो यार उनमें तुम भी होंगे मना कर। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ गांव में चलो। और ये देखो, इधर देखो कितनी बढ़िया गाड़ी बना रखी है ना, ये देसी गाड़ी है भाई। अच्छा अच्छा, अरे अरे मैं चलाऊंगा यार, इन्हें ले जाना समर ने। तो अरे तू आजा मेरे पास, हाँ यार तू मजे करेंगे। तो भाई ये देसी गाड़ी है, बच्चे को चला रहे, एक को साइकिल चला रहा था बेटा, जापानी साइकिल है, कौन सी ले गया इधर, शाबाश आजा आजा आजा। अरे दिखा दे यार, मैंने तो चलाई नहीं अपनी जिंदगी में कभी ऐसी साइकिल, वो शायद शर्मा रहा है। तो भाई ये गाड़ी हम चला के दिखाते हैं ऐसे। तो बचपन में मैं भी ऐसी गाड़ियां बनाया करता था और चलाया करता था यार, बड़ा मजा है ना। तो ये क्या है इसका मुझे बता तो दे, ये स्टेरिंग है जी क्या? और ये नजदीक लाओ, और यार ये देखो बच्चों की जिंदगी है ना बड़ी मस्त होती है, स्टेरिंग है और ये दो तार लगा रखे है ये। अच्छा चला स्टार्ट करने के लिए है ना, यही से सारा काम चल, इसी से घूमता है। अच्छा ये बताएगा बच्चा कैसे से आवाज, अच्छा इसी से टाइट हो जाता है ना। मैं बड़ा बढ़िया जुगाड़ बना रखा है, टायर भी मोटे मोटे हैं। मेरे बचपन वाले दिन मुझे याद आ रहे हैं कि हम भी
गाड़ी बनाते थे और चलाते थे, तुमने तो टायर वाली बनाई है, बदम क्या करते थे, तो चप्पलें होती है ना तुमने पहन रखी है। उस जमाने में यार पैसे नहीं थे ना इतने सारे और ना इतनी चीजें थी, तो चप्पल के अंदर से गोल गोल टायर काटते थे, गोल गोल, फिर उसमें होल करके और उसके बाद है ना उसमें ऐसे कुछ डाल के ये देखो जी ऐसे एक सरकंडा लगाते थे, एक बार रबड़ डालते थे और फिर उसको चलाते थे, बड़े मजे करते थे। उसके पीछे ट्राली लगा लेते थे, कौन से पड़ता है ये 8th पड़ता है, कौन से स्कूल बेटा, टैगोर में जाता है शाबाश। और वो गाड़ी वाला कहाँ गया हमारा, चला गया जी, चला गया साइड में। तो भाई बड़ा मजा आया आज, इधर मस्ती कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आ रही है इसमें ना जी, तो गाड़ी तो दिखा यार, तू मुझे क्यों दिखा, आपको मुंह नहीं आता जी, आपको मुंह नहीं आने का, फिर नहीं आओगे जी, तो थोड़ा पीछे हो जाएगा, आ जाएगा पीछे हो जाएगा, ऐसे कर, हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ। तो भाई आज हम गाड़ी चला रहे हैं, फिर बहुत बड़ा मजा आया गाड़ी चलाने में। ओ ये गई बस, सीटी तो मारो हॉर्न तो बजाओ यार, हॉर्न नहीं है जी। ये पोर्शन पड़ता भाई फिफ्थ में से, और अभी मैं गांव के अंदर जाऊंगा और बच्चों के साथ मस्ती करूंगा, कुछ बीच में आ गए हम। हाँ नमस्ते भाई नमस्ते, इधर आ, तेरी फोटो तो आई नहीं मेरा। और ये भी हमारे एक स्टूडेंट का घर है इधर, तो मैं मोटरसाइकिल यहीं खड़ी कर देता हूँ। आजमघाट मेला मेला लग गया है, चलो भाई ठीक है, अब ये गांव में दिखाएंगे मुझे, ये गांव का ट्रैक्टर जा रहा है, बच्चे देखिए इकट्ठे हो रहे हैं। अबे अच्छा भाई ये बताओ सबसे ज्यादा किस जगह खेलते हो, और किंग किंग खेलते हैं खेतों में, क्या क्या खेलते हो, क्या क्या खेलते, अच्छा अच्छा और यहाँ पर नहीं खेलते हैं, यहाँ कहाँ पे और लुकते कहाँ पे हो, पेड़ के ऊपर रात को, अरे यार कमाल कर दिया तुमने, यार कोई जानवर वगैरह हो तो इसमें है, जानवर नहीं है इसमें, पक्की बात है, कहाँ गया, अच्छा ये टिक्की वाला आ गया, टिक्की वाला आ गया भाई, टिक्की खिलाओ भाई बच्चों को, टिक्की खिलाओ। अच्छा और चलो फिर ऐसे कहाँ चले, ओ या ओ भाई क्या बात है, शिवम भी आ गया, मोहित भी आ गया, है कहाँ है, लगा के दिखा नकली दांत दिखाओ, अरे वाह, अब ड्रा ड्रा आएगा देखो, अब दांत दोबारा लगाओ यार, मजा नहीं आया, अच्छी तरह लगाओ और अच्छी तरह ड्राओ, खूब जोर से ड्राओ के वैसे करके ना। अब देखो जैसे ड्रा रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि जो हम फिल्में देखते हैं ना भूत की प्रेत की, वो नकली दांत लगा के थोड़ा खून वून लगा के ना फिर दिखाते हैं, ठीक है समझ में आ गया, वो फिल्म में कभी भी जो दिखाते हैं ना भूत बात उनसे डरना नहीं है, ठीक है अब हैप्पी आ गया, चलो हैप्पी को मिलते हैं, हैप्पी है लेकिन ये हैप्पी रहता है, हंसता ही रहता है बंदा, क्रोध भी करता है ना गुस्सा भी करता है तब भी हंस के करता है, धुआं निकल गया, बच्चे मजाक कर रहे थे, धुआं निकल गया क्यों मजाक कर रहे हैं, देखो बच्चे भी मजाक बढ़ा दिया है इसका, अच्छा अच्छा मेरे साथ काफी स्टूडेंट इकट्ठे हो गए हैं, कुछ मेरे स्कूल में पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, और कुछ एक को वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना वीडियो बनाने में, तो अब ये मुझे खास जगह लेके जा रहे हैं, किसके घर लेके जा रहे हो, क्योंकि अकेला कृष्ण का ही घर है, बाकी किसी का और का नहीं है, क्या नाम है, जिया तू, अच्छा कहाँ पे जिया, ये वाला घर है, अच्छा ये जिया का घर है, ओह ये है जिया, अरे ये भी पायल भी आ गई, पायल तुम्हारा घर किधर है, ओ चोट ले, दांत अंदर कर ले, दांत अंदर कर, नमस्कार जी नमस्कार जी, तो पायल के मम्मी कौन सीन में, अच्छा वो वाली है, ठीक है ठीक है, नहीं आप अपना काम करो मैं अपना करता हूँ, चाय बाद में पियेंगे, ठीक है ना बाद में पियेंगे चाय, अब वहां से यहाँ तक चाय मेरे 4-5 तो उधार हो चुकी है और फिर बाद में पियूंगा, कहाँ है पार्स, उससे जरूरी मिलना था, ऐसे कोई गली नहीं है बीच में, उससे निकलो, चलो आ जाओ, नमस्ते नमस्ते, अच्छा ये तुम्हारा घर है, ये गुड़िया अब तो कौन सी में होगी तू, बीए कर रही है, हाँ अब ये बीए कर रही है, कभी मेरे पास पढ़ते थे,
हाँ माता जी नमस्कार। हम अपने एक खास स्टूडेंट के घर जाएंगे जो कुछ दिनों से स्कूल में नहीं आ रहा है, पता करेंगे उस स्कूल में क्यों नहीं आता है। हाँ तो तू भी तो ऐसे जाता था यार, ये अपने बारे में नहीं बताता है, है कि नहीं? अपने बारे में नहीं बताता है, ठीक है। हाँ और शिकायत कर तो इसकी, बता और क्या कह रहा है ये मानता है ये मोबाइल नहीं सारा दिन फोन देखता है। हाँ और रात को है ना वो इसके पास एक मोबाइल था, एक दिन तुम्हारे घर वालों ने छीना तो कितने जोर से रोया था, पूरे गांव को जगा दिया था इसने। मुझे दिखाई नहीं दिया तेरा डैडी कौन सा है, हाथ लगा के दिखा, नहीं हाथ लगा के दिखा तुम। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। अजी ये और सर ठीक हो, कौन सी में पढ़ता तू? इस गांव का खेड़ा है ना, यहाँ पर शादी वगैरह होती है तब लोग आते होंगे या वैसे भी आते हैं? हाँ तो ये पूजा स्थल है गांव का, लगभग सभी लोग आते हैं, शायद सोमवार इतवार वगैरह को ज्यादा आते, इतवार को ज्यादा आते हैं। ये खेड़ा है तो खेड़े के एक फोटो ठीक से बना लेते हैं। तो भाई ये गांव का खेड़ा है, आप देखो इस वक्त इसका गेट बंद है और ये दगावर कुछ लोग उधर छत पे भी खड़े हैं। तो ये खेड़ा है इस गांव का, ये देख लेते हैं हम। मेरे स्टूडेंट और आगे पीछे ये गुरप्रीत है, वो गुरजीत भाई नाम तो भूल जाते इतने सारे बच्चे होते हैं, और ये साथ में कौन है? ये हरप्रीत। और आप हरप्रीत की मम्मी है, ठीक है। बच्चे मेरे आगे हैं और कुछ मेरे पीछे हैं, है? ये इनके गांव की डेयरी है, दूध दही लस्सी और उधर क्या है काजू, बाकी आगे पता नहीं क्या लिख रखा है पीछे, जो भी है मतलब कुछ खाने पीने की चीजें हैं दूध के साथ। हाँ अच्छा ये करणप्रीत बता रही है हमारे गांव का तीन मंजिली मकान है, चलो इसको भी देख लेते हैं भाई, तीन मंजिली है वाकई। हाँ तुम लोग रोजाना खड़े हो गया देखते होंगे, है ना? देखते हुए आगे है ना, अरे यार ये बन रहा है ऐसे, है ना? हाँ कहाँ गया पारसी, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार आ जाऊँ। तो भाई ये एक पतली सी गली है पारस के घर तक जाती है। सारे बच्चे आ गए, कहाँ गया? तो उसकी मम्मी पापा कोई है? चलो एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? तो पारस के बारे में बात कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ पारस की मम्मी है। अच्छा 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 बच्चा बहुत बढ़िया है वो पढ़ने में, लेकिन तीन दिन हो गए स्कूल नहीं आ रहा था, बुखार हो रहा था। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सा आपने उसको बस ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया बच्चा है, ठीक है? चलो भाई जब इधर से निकलते हो देखते हो ना यार कैसे बैठे कैसे मस्ती कर रहे हैं, तो तुम्हारे मन में आता है कुछ कि हम भी उठ जाए इसके ऊपर बैठ जाए? नहीं आता, नहीं सोचते तो है ना, हम मन में सोचते तो है यार देख अगर हम भी ऐसे होते तो कितने मजे होते। क्या बैठा, कौन सी खजूर गिरी? अच्छा उस दिन तो बता रहा था खजूर कौन सी गिरी हुई, चल बता मुझे चल के चल। हाँ भाई ये बता रहा था उस दिन की खजूर गिर गई थी तूफान में, तो ये बताएगा कौन सी खजूर गिरी थी। क्या बात, अच्छा ये वाली ये गिरी थी तो तुम लोग देखने आए थे फिर अगले दिन, और वो ये कह रहा था कार खड़ी थी कार दब गई थी इसके नीचे। हाँ तो फिर तेजवीर झूठ बोल रहा था क्या? अच्छा वो सतगोली में, ठीक है ठीक है, हरे गांव का बछड़ा है ये, क्या नाम है तेरा? दीवांश, दीपांशु नहीं दीपांश, दीवांग इसका नाम, ये दीवांशु है, ये इनकी गाय बंधी हुई है यहाँ पे, ये बछड़ा कटड़ा बछड़ा है। हाँ तो भाई ये दीवांश का बछड़ा है। हाँ भाई एक मिनट नजदीक नहीं जाना। हाँ अब बताओ माल मतलब मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, तो भैया बच्चे मधुमक्खियों का छत्ता बता रहे हैं, हम नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि वो कभी भी हम पर आक्रमण
कर सकती है। ठीक है, ये आ गया, ये वाला ठीक है। इधर है छोटे, खूब मजे लेता था है? ठीक है, जहाँ से चले थे वहीं पर वापिस आ गए। ये मसाना रांगड़ाने के तो नहीं है? नमस्ते जी, नमस्ते। नहीं आपकी नहीं आ रही, ये तेरी मम्मी है तो? मेरे पास कपड़े, आप मेरे पास। जो बच्चे को लेके जा रही हैं, ये मेरी स्टूडेंट रही हैं, इनको पता लगा कि मैं इस गांव में आया हूँ, मेरा नाम सुना, तो ये बेचारी दौड़ के आई हैं और कह रहे हैं जी मेरी वीडियो मत बनाना, मेरा फेस मत दिखाना, लेकिन घर जरूर आना, तो हम इनके घर चल रहे हैं। ठीक है भाई, ये मेरी स्टूडेंट है। तेरे घर गए थे यार तुझे ढूंढते, तू मिला ही नहीं। खेतों में क्या कर रहा था? खेलने के लिए गया था, खेलने के लिए। तो शर्मा क्यों रहा है? खेलने गया तो बता, खेल तोड़ रहे थे जी। मैं भी खेलता था, अभी देख मैं खेलने नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, मजे कर रहा हूँ देखो। तो तू भी मजे कर यार, करना तो। तो खेतों में खेलने गया था ना, अब बता दे, डर मत, सहवाज। तो भाई हम इनके गांव में घूम कर आ चुके हैं, ये देखो कोई मोटरसाइकिल पे चढ़ गया, कोई कहीं है। अरे छोटे बच्चे का आगे आने दो, थोड़े 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 पीछे दो, ठीक है। ये देखो तो गांव में बड़ा मजा है। मेरी तो सुन लो, अरे मेरी तो सुन लो यार। भाई गांव में बड़ा मजा आया, और बच्चों आपका गांव है ना बहुत अच्छा है, और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपके गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और आप सबको बहुत ही अच्छा बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि सूरज छिप चुका है, अंधेरा हो रहा है, और मुझे भी कुछ जाकर काम करना है। ठीक है, ओके।